अहिल्या को इतना नापसंद करती हैं आप, उसकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी? कहीं ऐसा तो नहीं गौतमा, ये रिश्ता हमने आपकी रजामंदी के बिना तय कर दिया तो आपने भी तय कर लिया कि कैसी भी हो मुझे तो अहिल्या को नापसंद ही करना है? ऐसा बचपन आप नहीं कर सकती गौतमा। हमारे कहने पर एक मौका तो दीजिए उस बच्ची को। सरकार, आपके फैसलों का हमने हमेशा सम्मान किया है। अपने बेटे की खुशी चाहना इसका मतलब ये नहीं कि बिना कारण हम आपके फैसले का विरोध करेंगे। बड़े बड़े सूबेदारों के घरों से रिश्ते आ रहे हैं। एक गुणी लड़की हमें पसंद भी आई, बस आपके आने का इंतजार था। उसके बाद शादी के लिए हम जानते हैं, लेकिन हमने तो कोई शिकायत नहीं की। हमारी गैर हाजिरी में धार के सरदार पवार साहब को न्योता तो आप ही ने दिया था ना? आपको कैसे? गंगोपा कैसे क्या, छोड़ी इन बातों को। रिश्ते तो आएंगे गौतमा, राजघरानों में उठते बैठते हमने भी बहुत सारी लड़कियों को देखा है। हमारे पास भी बहुत से परिवार ने संदेश भेजे हैं जो चाहते हैं कि उनकी बेटी हमारी बहू बने, लेकिन अहिल्या में जो गुण है, जो खूबियां हैं, वो किसी और लड़की में नजर नहीं आया हमें। सिर्फ गुण देख के क्या होगा? खानदान, रुतबा, जाति, क्या ये जरूरी नहीं है? वही बात कर रही हैं आप गौतमा। हम भी तो जाति से चरवाही है ना? जी हाँ, लेकिन अब एक बड़े प्रांत के सूबेदार हैं आप। प्रांत की रक्षा करना आपका काम है, भेड़े चराना नहीं। हमारा बेटा भाभी सुभेदार है, इसीलिए कह रहे हैं इस वंश में जो भी बहू आएगी उसके आने से सम्मान और प्रसिद्धि और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी लड़की जिसे देखते ही विश्वास हो जाए कि हाँ, यही लड़की रानी बनने के काबिल है। इतनी उम्र नहीं हुई है हमारी, अभी भी दिमाग तेज और हाथ पांव बहुत मजबूत हैं। वो नौबत नहीं आई कि अपने राज्य के फायदे के लिए हमें किसी बड़े खानदान का सहारा लेना पड़े। और रही बात रानी बनने की काबिलियत है या नहीं, तो आप है ना? होलकर वंश के तीन बहुओं को आपने इतना सिखाया, तैयार किया, अहिल्या को भी अपनी शिष्या बना लीजिएगा। आपसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा उसे? हमें अपनी रानी पर पूरा विश्वास है, तभी तो इस बच्ची को पसंद कर लिया। जानते हैं ना, कहीं कोई कमी हो तो हमारी गौतमा उसे सुधार देंगी। किसी भी पत्थर को सिंदूर लगा देने से वो भगवान की मूरत नहीं बन जाता, पहले से आकार होना जरूरी होता है। अहिल्या में वो आकार है गौतमा, आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। अभी तो सिर्फ आधा दिन हुआ है आपको उसे मिले। ठीक है, मान लिया, लेकिन ये साबित हो जाए कि अहिल्या होलकर वंश की बहू बनने के लायक नहीं है तो? अगर आपको विश्वास हो जाए कि खंडेराव और अहिल्या के रिश्ते से किसी का भला नहीं होगा, तो क्या आप ये रिश्ता तोड़ने के लिए राजी हो जाएंगे?
कहिए। अहिल्या पर हमारा विश्वास अटल है। हमारे परिवार में उसका शामिल होना हम सभी के लिए, हमारी जनता के लिए भी ईश्वर का आशीष होगा। अपने इसी विश्वास के चलते आपकी ये चुनौती हमें मंजूर है। अब तो रेणु से नहीं मिल सकती है रे अहिल्या। क्यों काकी? तेरी शादी होने वाली है ना, और रेणु तो बेचारी विधवा है, तेरा उसे मिलना ठीक नहीं है। खटखट भी नहीं कर सकती, रेणु को जोर से आवाज भी नहीं लगा सकती। अगर यहाँ पे रेणु की आई होगी तो शंभू, अगर मैं गिर गई तो मुझे संभाल लेना। अच्छा यहाँ क्यों आ गई? तुझसे मिलने के लिए आई रेनू, बस तू ही एक है जो मेरी हर बात झट से समझ जाती है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है रे। पता है सरला वहिनी ने मुझसे कहा था कि तेरा नवरा तेरी हर बात मान लेगा, पर वो छोटा सुबेदार ना बहुत ही बुरा है, मुझे बहुत तंग करता है, बिल्कुल राक्षस है वो। और पता है वो क्या कह रहा था कि तू महल में चल, मैं तुझे और तंग करूंगा। चेनू, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकती, चुपचाप शादी कर ले। इसे किसे बोल रही है तू? फिर तुझसे मिलने कौन आएगा? तू अकेली पड़ जाएगी रे। पर सब कुछ पक्का हो गया है तो जाना तो पड़ेगा ना अहिल्या। नहीं आता रेनू तुझसे मिलने, अभी भी तेरी आई और आजी तुझे मीठा खाने को नहीं देती। अब मुझे मीठा खाने को कभी नहीं मिलेगा। आजी बोलती है मीठा क्या होता है, भूल जा। ये भी कोई भूलने वाली बात है क्या? ऐसे कैसे भूल जाओ? इसलिए तो मुझे रोज रोज मिलना है तुझसे, ताकि मैं चुप चुप के तेरे लिए गुड़ और खरबस लाऊं। पता है रेनू, शिव जी ने मुझे कौल दिया था, फिर भी सब लोग मेरी शादी करा रहे। मेरी आई तो हमेशा कहती है शिवजी सब जानते हैं, उनको सब पता होता है।
शिवजी ने तुझे कौल दिया है ना, तो उन्हीं को करने दे, तू क्यों परेशान हो रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, शिवजी सब संभाल लेंगे, है ना? हाँ, आजी हमेशा बोलती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। मतलब मेरी शादी नहीं होगी? शिवजी मेरी शादी नहीं होने देंगे, है ना? अगली बार तेरे घर आऊंगी ना, तो आगे वाले दरवाजे से आऊंगी, ऐसे चोर सामान खिड़की पे चढ़ के नहीं। शादी नहीं होगी तो कोई मना नहीं करेगा तेरे पास आने के लिए, है ना? चलो अब मुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ शिवजी संभालेंगे। लेकिन ये नु, अगर उस छोटे सूबेदार ने मुझे फिर से तंग किया ना, तो मैं उसे बहुत मजा चखाऊंगी, देख लेना। वो छोटा सूबेदार होगा अपने घर का, हमारे गांव का नहीं। पता है नट्टू, मैं ना बहुत उदास थी, बहुत रोना आ रहा था मुझे, सोच रही थी तुम सबको छोड़ के कैसे चली जाऊंगी मैं, पर अब पता है अपने शिवजी सब ठीक कर देंगे, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा यही रहूंगी तुम सबके साथ, अपनी कपिला के साथ, अपनी रेनू के साथ, है ना? सूबेदार कहीं का, फोकड़ू छोटा सूबेदार भी उसे मजा चखाती हूँ। अरे ये पायल की आवाज इतनी अस्थाई कैसे हो गई?
अभी मजा चखाता हूं। अच्छा तो इन भेड़ों के पैर में पायल बांध के मजाक कर रही थी तुम हमारे साथ, पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, जैसे तुम डरपोक हो तुम्हारे ये दोस्त ये जानवर भी डरपोक है। मेरी आई कहती है आप छोटे सूबेदार हो, पर उन्हें तो कुछ पता नहीं है। छोटा सूबेदार कभी ऐसा होता है क्या? क्या मतलब? हम सच में छोटे सूबेदार हैं, समझी? मेरी दाजी कहते कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, या फिर राजा के घर के लोग, वो ना सबसे अच्छे से बात करते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे। लेकिन तुम्हें तो किसी की मदद करना आता ही नहीं है, बस ठहराना आता है। बातें इतनी बड़ी बड़ी, दिमाग तो है ही नहीं। तुम लोग इस छोटे से गांव में रहते हो ना, इसलिए पता नहीं है कि छोटे सूबेदार होते कैसे, समझी? डरपोक कहीं की। मेरी दाजी कहते कि मेहमान ना भगवान समान होते, इसलिए अब तक कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी भेड़ों को डरा के बचेगा नहीं वो, मैं नहीं छोड़ूंगी उन सकड़ू को। थाली और बाटी अच्छी तरह से रखना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। अगर आई मैं सारा काम अकेले कर लूंगी, पर बस मैं साड़ी की वजह बरकर पुल का पहन लूं क्या? पूरे दिन तो साड़ी पहनी है ना मैंने। अपने सासू भाई के सामने परकर पोलके में जाएगी तू? सुबह देख लिया ना उन्होंने तुझे भेड़ों के साथ परकर पोलके में। अब तू साड़ी में ही सारा काम करेगी, समझी? साड़ी पहन के काम कर चुपचाप। हमें अगर पहले पता होता कि आप भेड़े चराने वाली लड़की हो तो आपके लिए छड़ी लेकर आते। नौलखा हार आपके किस काम का? रिनु सही कहती है, सासू भाई से ज्यादा डरावने कोई चीज नहीं होती।
अजीब। कोशिश तो पूरी की है हमने आपके खाने लायक भोजन परोसा जाए, पर आपकी बराबरी करना मेरी हैसियत से बाहर है। अगर कोई कमी रह गई हो तो अभी से मैं माफी मांगता हूं आपसे। नहीं नहीं, यहाँ आने से पहले ही अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर दिया था हमने। आप चिंता ना करें, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। भाई साहब, मक्खी वाला खाना हम कैसे? पूजा पाठ करते हैं ना, अगरबत्ती तो होगी घर में। हर एक थाली के सामने लगवा दो, मक्खियां परेशान नहीं करेंगी। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, इतनी सारी अगरबत्तियां लगाएंगे कैसे? धूपदानी तो होगी नहीं इतनी। कोई बात नहीं, घर में आलू तो है, काट कर उसमें लगा दीजिए। आलू काट के अगरबत्ती लगाएंगे तो आलू खराब हो जाएंगे ना आई? फिर उसकी सब्जी कैसे बनेगी? मेरे दादी कहते कि खाने की कोई भी चीज बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती, है ना दाजी? तो तुम ही बता दो क्या करे अहिल्या, मक्खी वाला खाना ही खा ले? नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ ना। माफ करना अहिल्या, बच्ची है अभी, कुछ भी बोल देती है। मैं अभी आलू काट के लाती हूँ ना। शादी हो रही है उसकी, बच्ची तो नहीं रही। घर संसार संभालने की उम्र हो गई है अहिल्या की, करने दीजिए उसे। बहुत तारीफ सुनी है हमने आपके बेटी के गुणों की, आज हम भी देखे कितनी सुशील है आपकी अहिल्या। ज्वार में राख गिरने से कोई नुकसान नहीं होगा, ज्वार धो सकते हैं ना? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।